हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग एक और शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है द पुलर लेटर। ये शॉर्ट स्टोरी एक अमेरिकन ऑथर ने लिखी है जिनका नाम है एडगर एलन पो। ये शॉर्ट स्टोरी दिसंबर 1844 में पब्लिश हुई थी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो वर्ड है पुलॉयड, इसका मतलब होता है स्टोलन, मतलब चुराया हुआ। तो ये जो स्टोरी है ये एक चुराए हुए लेटर की स्टोरी है, एक स्टोलन लेटर की स्टोरी, कि कैसे एक लेटर जो है जिसमें बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहती है, वो चोरी हो जाती है और कैसे फिर उसे ढूंढा जाता है, इसकी ये स्टोरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये स्टोरी शुरू करने से पहले स्टोरी के कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो हमारा कैरेक्टर है वो है नरेटर। ये जो है ये हमें पूरी स्टोरी को बताता है कि कैसे कैसे वो लेटर चोरी होता है, कैसे कैसे वो मिलता है, फिर कैसे कैसे ये लोग उसे ढूंढते हैं, ये सब ये नरेटर हमें बताता है। सेकंड जो कैरेक्टर है वो है सी ऑगस्टे ड्यूपिन। ये एक प्राइवेट डिटेक्टिव रहता है और ये काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो नरेटर है और ये सी ऑगस्टे ड्यूपिन है, ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। और ये सी ऑगस्टे ड्यूपिन काफ़ी वेल्दी रहता है लेकिन लूज़ वुमेन के चक्कर में और पोकर मतलब शतरंज वगैरह के, जुआ वगैरह के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर देता है। और लूज़ वुमेन मतलब प्रोस्टिट्यूट वगैरह के चक्कर में सारा पैसा बर्बाद कर देता है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर है वो है मॉन्श्योर जॉमोट। ये हेड ऑफ़ द पुलिस ऑफिसर है, मतलब जो पेरिस पुलिस होगी वहाँ की, वो ये उसका हेड रहता है। और यही वो लेटर जो खोया था, चोरी हुआ था, यही वो लेटर को ढूंढता है। और फोर्थ जो हमारा कैरेक्टर है वो है द मिनिस्टर डी आर्ची। ये स्टोरी का एंटैगनिस्ट है, ये इस स्टोरी का ऑफिशियल विलन है। और यही वो जो लेटर चोरी हुआ था, यही वो लेटर को चुराता है। और ये काफ़ी चालाक रहता है, ये एक पोएट भी है, ये एक मैथमेटिशियन भी है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट होगी उस गवर्नमेंट में ये काफ़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर रहता है और ये काफ़ी चालाक रहता है। और हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है द रॉयल लेडी। ये वही है जिसका वो लेटर खोया रहता है, जो लेटर चोरी होता है ये इसी लेडी का होता है। ये एक काफ़ी क्वीन टाइप की रहती है, मतलब रॉयल रॉयल लेडी नाम से ही लग रहा है वो रहती है। सिक्स जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम नहीं दिया है लेकिन बस वही द अदर रॉयल पर्सन, मतलब इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये किंग ही होंगे क्योंकि अदर रॉयल पर्सन वही हो सकते हैं। और इसका नाम वैसे नहीं दिया है बट हम लोग इसको बोलेंगे द सेकंड रॉयल पर्सन। सेवेंथ जो हमारा कैरेक्टर है वो है एस नाम से कुछ, उसका नाम है मतलब स्टोरी में इसका नाम नहीं दिया है बट एस से कुछ है। सो यही वो है जो इस स्टोरी जो वो जो लेटर चोरी हुआ था, यही वो लेटर को भेजता है वो द रॉयल लेडी के पास। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो जो नैरेटर है और सी ऑगस्टे ड्यूपिन है, ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं और एक ही घर में रहते हैं। तो एक रात ये लोग ऐसे ही घर के बाहर बैठ के रात में बात कर रहे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ही अपना कुछ कुछ टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मॉन्श्योर जॉमोट आ जाता है। ये आता है ये लोग से, ये भी थोड़ी देर बात करता है और फिर बोलता है कि मैं काफ़ी कुछ दिनों से परेशान हूँ। तो अब ये मॉन्श्योर जॉमोट जो है वो बताता है कि एक लेटर है जो चोरी हो गया है और मुझे उस लेटर को ढूंढने के लिए मुझे वो अपॉइंट किया गया है। लेकिन वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो बहुत दिन से वो लेटर, 3 मंथ से वो लेटर ढूंढ रहा है बट उसे नहीं मिल पा रहा है। तो वो बताता है कि कैसे कैसे वो लेटर चोरी हुआ। तो एक रॉयल लेडी रहती है उस जगह की, हो सकता है वो क्वीन हो या कुछ भी हो, वो एक रॉयल लेडी रहती है। तो उसे एक लेटर मिलता है, वही जो एस नाम का कोई एक आदमी है वो उसे वो लेटर भेजता है। तो वो लेटर में कुछ ऐसा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती है, मतलब किंग के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती है कुछ भी उसका, कुछ पर्सनल या पता नहीं कुछ बताया नहीं है स्टोरी में कि क्या एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है, बट कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन रहता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि जो रॉयल लेडी रहती है वो अपने रूम में जाके वो लेटर पढ़ रही होती है। तभी अचानक से हमारा जो अदर रॉयल पर्सन है, मतलब किंग इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि वो किंग ही होगा, एग्जैक्टली तो दिया नहीं है स्टोरी में बट किंग ही हो सकता है। तो जो अदर रॉयल पर्सन है वो आ जाता है। तो जो रानी है बहुत हड़बड़ा जाती है, वो चाहती नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो किंग है उसको पता चले, जो अदर रॉयल पर्सन है उसको पता चले।
तो वह चाहती है कि वो जो लेटर है वो उसको ड्रॉअर में रखना चाहती है, लेकिन वो ड्रॉअर खुलता नहीं है उससे, और वो टेबल के ऊपर ही, मतलब ड्रॉअर के ऊपर ही रख देती है। तभी वो किंग से बात बात कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उस लेटर पे ही रहता है कि अरे वो लेटर कहीं वो किंग देख ना ले। तो तभी वहाँ पे हमारा मिनिस्टर डी आर्चे आ जाता है। ये रानी का एक्सप्रेशन वगैरह देख के ये समझ जाता है कि वो जो लेटर है उसमें ज़रूर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो वो क्या करता है कि वो धीरे धीरे जाता है वो लेटर को देखते हुए, और वो लेटर का इन्फॉर्मेशन देखता है, पढ़ता है, और फिर वो उसी टाइप का डुप्लीकेट एक लेटर वहीं पे लिख करके, खुद से लिख करके वो रख देता है, और जो ओरिजिनल लेटर था उसे वो ले लेता है अपने पास और रानी के सामने ही लेके चला जाता है। लेकिन वो कुछ, जो रॉयल लेडी है वो कुछ बोल नहीं पाती है, क्योंकि वो डरती है कि अगर, मतलब मैं अगर कुछ उसे कुछ रोकूंगी या कुछ भी बोलूंगी तो जो हमारा किंग है, जो अदर रॉयल पर्सन है, उसे पता चल जाएगा, तो इसलिए वो नहीं बोलती है। और जो हमारा मिनिस्टर डी आर्ची है, ये जो है वो ये लेटर को लेके चोरी करके चला जाता है। अब वो लेटर को लेने के बाद जो हमारी रॉयल लेडी है उसको ये ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम मुझे, मतलब बहुत और हाई, मतलब पोजीशन पे पहुंचाओ, मतलब कुछ और ज़्यादा पावर दे दो गवर्नमेंट में, और मतलब सबसे हाई पावर दे दो, और फिर मैं तुम्हें ये लेटर लौटाऊंगा। तो जो ये रॉयल लेडी है ये मॉन्श्यर जर्मन को अपॉइंट करती है उस लेटर को ढूंढने के लिए। तो जो मॉन्श्यर जर्मन था ये बताता है, जो मिनिस्टर डी आर्ची है ये रात में घर पे नहीं रहता, जो हमारा मिनिस्टर डी आर्ची है जो ये लेटर को चोरी किया है, ये रात में घर पे नहीं रहता, रात में काम पे जाता होगा। तो जो मॉन्श्यर जर्मन है इसके पास पूरे जितने भी घर थे सबके डुप्लीकेट चाबी होगी, तो इसके पास उसके घर की भी एक डुप्लीकेट चाबी थी। तो ये डेली रात में अपने ऑफिसर को भेजता था, खुद भी जाता था, और हर एक जगह पे वो लेटर को सर्च करता था, उसके घर पे हर एक जगह पे सर्च करता था। 3 महीने से वो ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन उसे वो लेटर नहीं मिलता है। पूरा जगह वो खोज लिया, तब वो बताता है कि मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ, टेबल के नीचे, ड्रॉअर में, कहीं ऐसे ही, मतलब हर जगह वो सर्च कर चुका होता है जहाँ वो लेटर को छुपा सकता है, लेकिन उसे वो लेटर नहीं मिलता है। फिर वो सोचता है कि उसके पास पर्सनली वो लेटर होगा, तो वो पर्सनली भी उसे ढूंढना चाहता है, मतलब उसका तलाशी वगैरह लेता है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिलता है वो लेटर। तो 3 महीने से ऐसे ही चल रहा है, वो डेली जाता है अपने ऑफिसर के साथ, हर जगह ढूंढ चुका होता है बट नहीं मिलता है। तो अब ये जो डिटेक्टिव रहता है हमारा सी ऑगस्ट ड्यूपिन, इससे ये बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम तो एक डिटेक्टिव हो तो तुम मेरी हेल्प करो इस लेटर को ढूंढने में। तो जो हमारा डिटेक्टिव है ये बोलता है कि मैं इसमें क्या हेल्प करूँ, आप लोग तो सब हेल्प, आप लोग तो ढूंढ ही रहे हो, एक काम करो आप लोग और कुछ दिन अच्छे से उस लेटर को हर एक जगह पे ढूंढो, हर एक कोने कोने पे ढूंढो। तो जो ऑफिसर है वो ठीक है बोल के चला जाता है कि ठीक है मैं ढूंढूंगा। और फिर जो मॉन्श्यर जर्मन था ये 1 मंथ तक फिर दोबारा वो लेटर को ढूंढते रहता है, लेकिन फिर उसको वो लेटर नहीं मिलता है। तो फिर ये दोबारा आके जो डिटेक्टिव है उसे बोलता है कि तुम बोले थे कि वो लेटर को ढूंढो, और मैं लेटर को ढूंढ ही रहा था, 1 महीने तक मैंने फिर दोबारा भी ढूंढा, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब सुनने के बाद जो सी अगस्त ड्यूपिन है, जो डिटेक्टिव है, ये बोलता है कि ठीक है, लेकिन कोई भी काम तो फ्री में होता नहीं है, तो मुझे इसके लिए कोई अमाउंट चाहिए, कुछ पैसे चाहिए। तो जो हमारा मॉन्श्यर जर्मन है ये बताता है कि नहीं, इस लेटर को ढूंढने वाला को एक गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 फ्रैंक्स का इनाम मिलेगा। तो जो डिटेक्टिव है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लेटर चाहिए तो मुझे अभी तुरंत 50,000 फ्रैंक्स का चेक काट के दो, मैं तुम्हें अभी अभी लेटर देता हूँ। तो जो हमारा मॉन्श्यर जर्मन है काफ़ी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे चेक काट के देता है। तो जैसे ही वो उसे चेक देता है वो उसे लेटर उसके हाथ में दे देता है। तो जो हमारा पुलिस ऑफिसर है, जो हमारा मॉन्श्यर जर्मन है, वो काफ़ी, मतलब शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कुछ उसे बोल नहीं पाता है, कुछ भी पूछ नहीं पाता, इतना ज़्यादा वो खुश होता है वो लेटर पाके, इतना ज़्यादा वो लेटर कीमती रहता है कि वो कुछ भी उसे बोल नहीं पाता है, और तुरंत वो लेटर को ले जाके रॉयल लेडी को दे देता है। तब जो हमारा नरेटर है ये पूछता है सी ऑगस्ट ड्यूपिन से, जो डिटेक्टिव था उससे, कि तुम्हें ये लेटर कैसे मिला, तुम बताओ। तो जो डिटेक्टिव है सी ऑगस्ट ड्यूपिन ये बताता है कि मैम ये बात तो क्लियर है कि वो जो लेटर था वो
मिनिस्टर डी आर्ची के पास ही था, वही वो लेटर को चोरी किया था। तो ये बताता है कि मिनिस्टर डी आर्ची मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो मैं उसके घर एक दिन गया था गॉगल्स पहन के। तो जो मिनिस्टर डी आर्ची था, ये उससे पूछता है कि तुम गॉगल्स पहन के क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मेरी आँख में कुछ इन्फेक्शन है, इसलिए मैं ये गॉगल्स पहन के आया हूँ। तो वो गॉगल्स पहन के इसलिए जाता था कि वो हर एक कोने पे नज़र रख सके, हर एक कोना देख सके, पहचान सके कहाँ कहाँ वो लेटर छुपा सकता है। तो वो सब जगह गॉगल्स पहन के, मतलब गॉगल्स पहनने के बाद तो आँख तो दिखती नहीं ना कि किधर किधर जा रही है। तो वही वो देखता है पूरा एकदम बारीक नज़रों से कि कहाँ वो लेटर हो सकता है। तो वहाँ पे फिर वो उसे एक जगह मिलती है, एक नीचे में आग जल रहा होता है और ऊपर में एक टेबल टाइप का था, उस पर एक जगह मिलती है। उस पर बहुत सारे पुराने पुराने पेपर्स, न्यूज़पेपर्स और कुछ कुछ पेपर्स रखे होते हैं, और एक लेटर भी होता है। तो वो लेटर देखता है तो वो सोचता है कि नहीं, ऐसे तो वो लेटर नहीं है, क्योंकि वो जो ऑफिसर था वो उसे बताता है कि वो जो लेटर था वो वाइट कलर के एनवेलप में था, और उसके ऊपर एक रेड कलर की स्टैम्प थी और वो ब्लैक कलर के इंक से लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो लेटर रखा हुआ था वो एक ग्रीन एनवेलप में थी, और उसमें लिखा हुआ भी था ब्लू इंक से, और एक उसमें स्टैम्प भी लगी हुई थी दूसरे कलर की। तो ये सोचता है कि नहीं, ये तो वो लेटर हो नहीं सकता है। लेकिन फिर ये दिमाग लगाता है कि नहीं, ये जो है हमारा मिनिस्टर डी आर्ची, ये काफ़ी चालाक है, तो ये हो सकता है कि ये पूरा लेटर का हुलिया ही चेंज कर दिया हो, ये पूरा लेटर ही चेंज कर दिया हो, और इसलिए ये यहाँ पे ऐसे मतलब छुपा के रखा है, मतलब छुपा के नहीं रखा है, एकदम सामने ही रखा है। और जो पुलिस हमारी थी वो सब जगह ढूंढती है, मतलब ऐसी जगह पे चोर जहाँ पे छुपा के रख सकता है, लेकिन ये छुपा के रखा हुआ नहीं था, ये बस सामने ही रखा था, बस इसका ये हुलिया चेंज कर दिया रहता है, लेटर जो दिखता था जैसा वैसा चेंज कर दिया रहता है। इसलिए वो जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर्स, वो सबको ये लेटर्स नहीं मिले, ये लेटर नहीं मिले। तो वो क्या करता है कि वो उस समय तो वो लेटर को उठा नहीं सकता है, तो वो क्या करता है कि वो अपना एक गोल्ड स्नफ बॉक्स, मतलब टबैको रखने का एक बॉक्स होता है, गोल्ड स्नफ बॉक्स, वो रख देता है वहीं पे, मतलब जानबूझ के छोड़ देता है उसके घर पे, मिनिस्टर डी आर्ची के घर पे, डिटेक्टिव उसके घर पे छोड़ देता है, ताकि मैं वो नेक्स्ट डे आ सके वो बॉक्स ढूंढने के बहाने, और फिर वो लेटर को ले सके। तो वो क्या करता है कि वो बॉक्स को छोड़ देता है, फिर अगले दिन चला जाता है। फिर एक दिन बाद वो फिर आता है और बोलता है कि मेरा एक गोल्ड स्नफ बॉक्स छूट गया है, देखो तुम्हारे घर में होगा। तो वो जाता है, तभी उसके घर में जाता है, तभी अचानक से नीचे में फायरिंग वगैरह होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़, मतलब शोर शराबा होने लगता है, मतलब कुछ झगड़ा वगैरह होता है, फायरिंग कोई इंसान कर देता है, तो उसके वजह से पूरा जगह पे नीचे में ये पूरा शोर होने लगता है। तो जो मिनिस्टर डी आर्ची है, ये क्या करता है, ये विंडो से झांकने लगता है, देखने लगता है कि कौन है, कौन ऐसा मतलब शोर कर रहा है। उतनी ही देर में जो हमारा डिटेक्टिव है वो क्या करता है कि वो उस जगह से लेटर को उठाता है, और उसी टाइप का वो दूसरा लेटर लेके आता है अपने पास से, वो मतलब घर से लिख के लेके आया रहता है, वो लेके आता है और वहाँ पे रख देता है। तुरंत वो उठा के दूसरा लेटर रख देता है, और फिर वो बॉक्स उठाता है, मतलब वो बोलता है कि देखो मेरा यहाँ पे स्नफ स्नफ बॉक्स यहाँ पे था, मुझे ये मिल गया, और वो लेके अपने घर चले जाता है। तो जो नरेटर है अब ये पूछता है कि तुम्हें तो लेटर मिल ही गई थी, तो फिर तुम दूसरा लेटर वहाँ पे क्यों रखे। तो जो हमारा डिटेक्टिव है वो बताता है कि वो जो इंसान था मिनिस्टर डी आर्ची, ये काफ़ी पावरफुल आदमी है, अगर उसे हल्का सा भी शक हो गया रहता कि मैंने वो लेटर चुरा लिया है, मतलब मैंने वो लेटर वहाँ से ले लिया है, तो वो मुझे घर आने ही नहीं देता, वो रास्ते में ही उसके आदमियों से मुझे मरवा देता, इसलिए मैंने यहाँ पे वहाँ पे एक फेक लेटर रख दिया और ये ओरिजिनल लेटर वहाँ से उठा लिया। तो फ्रेंड्स, जो नरेटर है हमारा, वो सी अगस्त ड्यूपिन से फिर से एक क्वेश्चन पूछता है कि वो जो फायरिंग हुई थी, वो जो नीचे में अचानक से फायरिंग होने लगी थी, वो कैसे होने लगी थी, अगर वो नहीं होती तब तो तुम लेटर उठा नहीं पाते। जो हमारे डिटेक्टिव है ये बताता है कि मैंने ही कुछ लोगों को पैसे दे करके वो फायरिंग करवाई थी। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।